हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने वीडियो को स्लो मोशन में कैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, सबसे पहले हम एंड्रॉइड ऐप में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्ले स्टोर ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला वाला है स्लो मोशन वीडियो मेकर, ये वाला जो ऐप है इसको आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बहुत सारा यहाँ पे आपको यहाँ पे एप्स मिलेगा स्लो मोशन वीडियो से रिलेटेड। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप पहला वाला, ये वाला ऐप यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसका रेटिंग है 4.0 और ये 30 MB का, जो कि ठीक ठाक है। और ये जो है एक 4.1 MB का, यहाँ पे 4.1 MB का इफेक्टम। तो ये क्या होता है, रिवर्स कैम। और यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप रिवर्स कैम स्लो मोशन, तो इसको इसका भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक ठाक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। स्लो मोशन वीडियो मेकर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे रेटिंग अच्छा है, 10 मिलियन लोग हैं इसको डाउनलोड किया है। और इसका अगर रेटिंग देखना है तो आप देख सकते हैं, कमेंट भी अच्छा है। तो यहाँ पे चलिए इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो 28 MB का यहाँ पे तुरंत में ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब ऐसा करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिकॉर्ड मूवी, उसके बाद चूज मूवी। तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते, मतलब अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई वीडियो है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप रिकॉर्ड करके आप स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए चूज मूवी में हम चलते हैं, फिर अलाउ में। तो यहाँ पे मेरा इतना सारा वीडियो है, ठीक है, किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। चलिए पहला वाला सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। फिर इस पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो भी प्ले हो रहा है। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे ये ऊपर के पास जाता है तो यहाँ वीडियो फास्ट हो जाता है, उसके बाद नीचे में स्लो। तो यहाँ पे स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शुरू से प्ले हुआ, देखिएगा देखिए अभी तो फास्ट है। यहाँ पे जब यहाँ पे ये पहुंचा, उसके बाद देखिए वीडियो काफी यहाँ पे स्लो हो गया। यहाँ पे वीडियो काफी स्लो यहाँ पे प्ले हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स भी हो रहा है काफी धीरे धीरे। तो इस तरह से आप स्लो मोशन कर सकते हैं वीडियो का यहाँ पे। तो ये एक ऐप है। उसके बाद ऐसा अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे आप जाके सेव कर सकते हैं। चलिए आप बैक होते हैं, आप दूसरे ऐप के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऐप जो था, यहाँ पे इफेक्ट्रम रिवर्स कैम, यहाँ पे 32 MB का है, 4.1 रेटिंग है, 1 मिलियन लोग ने डाउनलोड किया है। उसके बाद यहाँ पे चलिए इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया, अब इंस्टॉल हो गया। ओपन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, फास्ट है, स्लो है, स्टॉप है, रिवर्स है। तो यहाँ पे स्लो पे क्लिक करते हैं, फिर अलाउ। तो यहाँ पे कोई भी आप तो वीडियो सेलेक्ट कीजिए, जैसे हम यही 13 सेकंड वाला वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे
नेक्स्ट, उसके बाद मैनेज स्पीड यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इसको हम प्ले कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल स्पीड से भी चल रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड से भी चल रहा है। अब इसको हम स्लो करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सबसे देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये आ रहा है, यहाँ पे अगर राइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे वीडियो काफी धीरे धीरे प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे राइट की तरफ ले जाएंगे तो वीडियो काफी मतलब धीरे प्ले होगा, इस तरफ ले जाएंगे तो वीडियो काफी फास्ट प्ले होगा। देखिए काफी धीरे धीरे मूव हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप स्लो मोशन आप वीडियो बना सकते हैं। अब तो यहाँ पे स्लो मोशन है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फिर से, फिर से चेक कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये नॉर्मल स्पीड है यहाँ पे इसका, ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल स्पीड है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम राइट की तरफ ले गए, अब प्ले कर रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे इसका स्पीड देखिए काफी स्लो हो गया। तो ये दोनों ऐप काफी अच्छा है यहाँ पे किसी भी वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे आप दोनों ये दोनों ऐप चेक कीजिए, अगर आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।